गौ और पशु संवर्धन के लिए रतलाम शहर में मानव अधिकार संगठन और सृष्टि समाज सेवा समिति द्वारा कचरा गाड़ी पर रोटी संग्रह हेतु बाल्टी लगाने की अनूठी शुरुआत की गई। घर में अनुपयोगी खाद्य सामग्री कचरे के साथ ही कचरा गाड़ी में डाल दी जाती है। कई बार पशु खाद्य सामग्री के साथ प्लास्टिक और अन्य जहरीली सामग्री भी खा जाते हैं। इससे कई पशु बीमार होने के साथ ही मौत के मुंह में समा जाते। इसी समस्या का निदान करने के लिए कचरा गाड़ी में बाल्टी लगाई गई, जिसमें खाद्य योग्य सामग्री कचरे के साथ फेंकने की बजाय बाल्टी में डाली जा सकेगी। बाल्टी के माध्यम से एकत्रित रोटी को गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, पार्षद अशोक यादव, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष श्रीमती अनीता कटारिया, अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सोनू यादव, जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद रत्नेश विजय वर्गीय, पर्यावरणविद खुशाल सिंह पुरोहित उपस्थित रहे। मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कचरू राठौड़, सचिव गगन वर्मा, ज्योति सालवी, राजा राठौड़, सृष्टि समाज सेवा समिति अध्यक्ष सतीश टांक, कल्याणी पाटीदार, रविंद्र पाटीदार, निखिल गोरेवाल, डॉक्टर मंगल धाकर, वीरेंद्र परमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन कचरू राठौड़ एवं आभार सतीश टांक द्वारा किया गया। मैं एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस वार्ड से माननीय अशोक जी यादव के वार्ड से इस कार्य को शुरुआत किया है। मैं चाहती हूँ पूरे शहर में सभी लोग, शहर में से शुरुआत होगी तो शहर में से लगा के पूरे जिले में शुरुआत हो और सभी लोग इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। पिपलोदा से अशोक परमार की रिपोर्ट।